अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन राजू भैया आप सुनो, तुम हमारे दोस्त तो कहने से आगे, लेकिन फ्री में इतनी देर से मजा ले रहे हो भाई। हम इतनी देर से यहाँ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, और आप हैं कि जिल्ले लाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरह बैठे हैं। अब यहाँ तक आए हैं तो यार आपका फर्ज बनता है कि यहाँ पे आके हमें इतना हंसाओ कि हम सारी दुनिया जहान को भूल जाएं और जितना नाचे हैं सब थकान को भूल जाएं। हेलो पोपटलाल पूरा बोले राजू भाई, पूरा पत्रकार पोपटलाल दुनिया हिला देता हूँ और तूफान एक्सप्रेस के लिए लिखता हूँ। अच्छा तूफान एक्सप्रेस। राजू भाई इसको छोड़िए ना, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर, कल तक की रिपोर्टर, हमेशा आज की खबर एकदम अप टू डेट टाइम पर देती हूँ। अच्छा, क्या कल तक की, कल की बासी खबर देते हैं? हमारी तरह नहीं, हम लोग तहकीकात करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद खबर लिखते हैं। कल, कल, तो बासी खबर क्यों देती हूँ? हम बासी खबर नहीं देते, ये लोग बासी खबर देते हैं। परसों की खबर आज छापते हैं। परसों की खबर आज छापते हैं, हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं लोग। आदमी डकार लेता है डकार, उसको भी ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं लोग। हर चीज को ब्रेकिंग न्यूज क्यों बनाते हैं? राजू भाई मैं क्या बोलता हूँ, अहमदाबाद में आपकी बहुत डिमांड है। अच्छा? काम करता हूँ अहमदाबाद में, आपके शो अरेंज कर देता हूँ, आपका बढ़िया मार्केटिंग करूंगा। अच्छा? अभी क्या चल रहा है कि आपका एक डुप्लीकेट मैंने ढूंढ लिया है, उसके पास शो करवाता हूँ। लेकिन क्या है कि अगर आप आ जाए तो क्या आपको भी दो पैसे मिल जावे ना, मेरे साथ आते हो तो फायदा होना रही है। तुम्हें गुजराती छो लागे। मैंने तो आपके शो का नाम भी सोच के रखा है। क्या 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 सब हट जाओ बाजू, आ रहा है राजू। मैं गुजराती छो, मैं आऊंगा। राजू भाई, नट्टू काका, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री नट्टू लाल प्रभा शंकर उठाई वाला उर्फे नट्टू काका। ओहो, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे सेठ जी बड़े कंजूस हैं, मेरी पगार बढ़ाते ही नहीं, मेरी कोई कदर ही नहीं करते। अच्छा, आप बोलो तो नट्टू काका, मैं तुम्हारे सेठ को 2-3 दे देता हूँ। दे दीजिए, मगर ये नहीं, हाँ, अच्छी सलाह दीजिए कि मेरी पगार बढ़ाए, ये तो भारी पड़ता है मुझे। राजू भाई आप एक काम क्यों नहीं करते, हाँ? आप मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए, फिर देखिए मैं अपने अनुभव से आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता हूँ। बनाइए मुझे सेक्रेटरी। हेलो 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 नट्टू काका, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? हेलो इनको लगता है यही बहरे, मैं बहरों का बाप। राजू भाई वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम राजू भाई, इस नाचीज को अब्दुल कहते हैं। अब्दुल कहते हैं। मेरी दुकान है सोडे की, सोडे की, सोडे की। आइए ना पीने के लिए। क्यों आऊं, मरने का है मेरे को? क्यों? इसके सोडे की दुकान में मैं गया, पता नहीं कौन सा मसाला सोडे में डाला, उसने काला काला था, काली मिर्च क्या मिला के काला नमक करके डाल दिया। अरे वो टेस्ट के लिए। अरे काय का टेस्ट के लिए था, वो पिया मैंने, यूं गुड़ों गया अंदर, मेरे पेट के अंदर बातचीत शुरू हो गई। किसकी? अतड़िया और ये गुर्दा कपूरा और ये किडनी, सब लोग हारमोनियम लेके बैठ गए, कवाली का प्रोग्राम शुरू हो गया। अरे 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 हेलो, अरे सुनो यार राजू, इनका झगड़ा तो ऐसे ही चलता रहेगा, तुम ऊपर आओ। हाँ आ जाओ, तालिया आ जाओ। अपने दिलों को संभाले, मेरा दोस्त राजू श्रीवास्तव आपके हवाले। गोकुल धाम सोसाइटी, वाकई पूरे इंडिया में ऐसी नहीं होगी। आप लोगों के लिए सिर्फ यही कहूंगा, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, सोडी साहब। हाँ जी, मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा हम आगे बढ़े, बाद में रिक्शा कर लेंगे। बारिश बारिश मजा बहुत आता है। अच्छा जब बारिश नहीं होती ना तो मुंबई में लोग क्या बात करते हैं, बारिश नहीं रे, ये बरस बारिश नहीं है, चेरे पाउस नहीं है, बारिश नहीं रे। अच्छा बारिश हो गई, बारिश है, बारिश होती है,
अरे बाप रे, मिलन सब भी जाएगा ना यहाँ तक, बांद्रा से निकलूंगा यहाँ तक, ये जोगेश्वरी काका जाएगा ना यहाँ तक, मैं कैसा खबर खबर करके आया। अच्छा, और जब बारिश होती ना, ये लोग न्यूज में दिखाते हैं और जो लोग पानी में डूबे हैं उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन इनके कैमरे से आवाज आज भी आती है। इनके कैमरे वही हैं 1947 के पहले वाले, कैमरे में डिस्टर्बेंस अभी भी सुनाई पड़ता है। अब डूबे हुए आदमी से पूछ रहे हैं, हेलो आप ही बताइए, ये जो बाढ़ आई है आपको कोई नुकसान हुआ? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बताइए। अब पहली बार आदमी टीवी के सामने, साहब हम लोग ऐसे हम लोग साहब ऐसे रात को बैठे थे, हम बैठे थे गजोधर मिश्रा यादव बैजनाथ संकठा, हम लोग बैठे रहे तो हम लोग साहब जो है ऊपर से देखा पानी का बौछार आया, फिर साहब धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो गया साहब, पूरे हमारे गांव में पानी बढ़ना शुरू हो गया साहब, पानी धीरे धीरे साहब पहले हमारे पैर की उंगली में छुआ तो ठंडा ठंडा लगता रहा, धीरे धीरे पानी साहब हमारी धोती में घुसना शुरू हो गया, और जैसे साहब धीरे धीरे पानी धीरे धीरे ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, ऊपर बढ़ना से तो बहुत गुदगुदी लगता रहा साहब, फिर धीरे धीरे बाढ़ पानी हो गया, पानी वहाँ साहब हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीवी डूब रही थी, गाँव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ, तुम्हारी जवान बीवी को तो कोई ना कोई बचा ही ले। ये तो हो गई गांव की बात। शहर में क्या होता है पता है, जैसे मुंबई दिल्ली सब जगह बड़े शहरों में, मुंबई की बात ले लो, मुंबई में जैसे ही बारिश आई सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन परेशान होता है? लोकल ट्रेन, वो एकदम कुमला जाती है इसे, अब मैं नहीं जाऊंगी, ट्रैक पे पानी वानी भर गया, दो लोकल खड़ी है कांदी वाली बोरी वाली के बीच में, उनके मुंह ऐसे रहते, बरसों से जो ट्रेनें आपस में नहीं मिलती हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो सब आपस में बातचीत करती है, सब जमा हो जाती है आजू बाजू, दादर जंक्शन पे खड़ी हो गई, बोरीवली स्टेशन पे सारी ट्रेनें खड़ी हैं, अब फास्ट लोकल जानबूझ के छेड़ रही है स्लो लोकल को, फास्ट लोकल बोलती है ए स्लो लोकल कशी है तू, तू इतना स्लो काहे को चलती टसक टसक के, पास भागने का काहे को स्लो चलती है, ये स्लो लोकल ज्यादा नाटक मत कर, एक नंबर में चलती मैं, एक नंबर में कैसे फास्ट भागेगी, हम लोग का उम्र हो गया है इसलिए हमको स्लो लोकल में डाला है, तेरा भी उम्र होएगा तेरे को भी एक नंबर में डालेंगे, जानबूझ के नाटक करती क्या? वो बोलती है अरे बाबा मैं तेरे को देख के रुकी कि सीनियर करके मैं खड़ी हुई तेरे से हालचाल, नाटक मत कर मैं नवी नहीं है जूनी है समझा क्या, तू मेरे को देख के नहीं रुकी है, तेरे ट्रैक के आगे पानी भरा है इसके लिए जानबूझ के रुकी है, पहचानती है, रोज तो बात नहीं करती ऐसे बाजू से निकलती खड़खड़ खड़ 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 ऐसे करके निकलती है समझे ना, जास्ती बात मत कर। इधर दादर जंक्शन पे सारी ट्रेन आपस में गॉसिप कर रही एक दूसरे के बारे में, ये तेरे कुछ मालूम पड़ा अपना फ्लाइंग रानी है ना उसका बड़ौदा एक्सप्रेस से कुछ लफड़ा है, तेरे को कौन बोला? मेरे को गांधीधाम बोल रही थी, कौन दे किसी का भी हो अपने को क्या लेने देने का ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन पहले फ्लाइंग रानी तो पंजाब मिल के साथ घूमती थी ना, पर ये सब कौन बोलते तेरे को? अरे वह गीतांजलि नहीं क्या जो कलकत्ता जाती है गीतांजलि पर, गीतांजलि की देख अरावली एक्सप्रेस से अच्छा है, उन लोगों का दोनों का बातचीत होता है, वो क्या बोलती है अगस्त क्रांति ना वो दिल की अच्छी है, हम लोग कुछ भी हेलो बोलते बराबर फास्ट भागती रहेगी फिर भी ऐसा करके फिर भागती है, लेकिन वो क्या बोल रही थी मालूम है, राजधानी को बहुत घमंड है, राजधानी एक्सप्रेस ना
हम लोग उसको नमस्ते बोलते, गुड मॉर्निंग बोलते, ऐसा भाकड़ भुकड़ भाकड़ भुकड़ भाकड़ भुकड़ भाकड़ भुकड़